वाले समय में इस प्रदेश को और तरक्की के ऊपर ले जाएंगे। विजय शाह के बयान पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया, कांग्रेस नेता कुणाल चौधरी ने कहा, अब तक क्यों लागू नहीं हुआ राष्ट्रगान? एमपी में तो 18 साल से बीजेपी की सरकार है, राष्ट्रगान लागू होना चाहिए, ये कुणाल चौधरी ने भी कहा है। तो कांग्रेस ने इस पर सवाल उठा दी कि भाई सरकार आपकी है इतने लंबे समय से, तो ये तो पहले ही लागू हो जाना चाहिए था, इसमें कोई किंतु परंतु होना नहीं चाहिए। विजय शाह के बयान पर कुणाल चौधरी का बयान सामने आया है और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इसे बिल्कुल लागू किया जाना चाहिए और 18 साल से बीजेपी की सरकार है तो अब तक ये लागू क्यों नहीं हुआ, इसका भी जवाब देना चाहिए। और हर स्कूल में राष्ट्रगान होता ही है, मुझे नहीं लगता कि कहीं नहीं होता। और अगर इनकी सत्ता और सरकार में 18-20 साल से ये नहीं चल रहा तो ये बड़े दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि मैं जिस स्कूल में पढ़ाऊं, सेंट्रल स्कूल केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाऊं, वहां तो मैंने हमेशा राष्ट्रगान राष्ट्रगीत होते हुए सुना है और मैं खुद करा है। पर अगर भारतीय जनता पार्टी के शासन में इतना या तो मंत्री को नहीं मालूम है या इनको नहीं मालूम है या पूर्व मंत्री को नहीं मालूम है, तो कहीं ना कहीं दुर्भाग्य की बात है कि अगर इनके शासन में इस तरीके से बंद कर दिया गया है, राष्ट्रगान नहीं गवाते हो तो सिर्फ बातें राष्ट्रवाद की करते हैं, पर कहीं ना कहीं जो नर्सरी है उनको कहीं ना कहीं वंचित करने का काम करते हैं। अगर सही में इस तरह की स्थिति है तो इसके ऊपर गंभीरता के साथ विचार होना चाहिए और बात करना चाहिए, और जिन लोगों ने इसे बंद करा उनके ऊपर सीधे सीधे कार्रवाई होना चाहिए। और भोपाल से हमारी सहयोगी नीलम इस वक्त जुड़ गई हैं। नीलम, जिस तरह की ये मांग की गई है ये बहुत पेचीदा नहीं है, क्योंकि ज्यादातर स्कूलों में शायद ये फॉलो होता है। अब ये मंत्री जी ने स्पेशली जो जिक्र किया मदरसों का, क्या इशारा केवल उसी तरफ हो रहा था, या और जिस तरीके से अब ये राजनीतिक मुद्दा बन गया है, इसे किस तरीके से देखा जाए? जी बिल्कुल, देखिए हर एक स्कूल की अपनी असेंबली लाइन में प्रेयर होती है और हम अमूमन देखते भी हैं कि बच्चों को राष्ट्रगान स्कूलों में गवाया भी जाता है और तिरंगे से उनकी पहचान भी कराई जाती है। पर यहाँ पर जनजातीय कार्य मंत्री, जो कि पहले मध्य प्रदेश में स्कूल शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं, उन्होंने मंच से सीएम डॉक्टर मोहन यादव से मांग की कि तमाम स्कूलों में जो है अब राष्ट्रगान गवाया जाना चाहिए। पहले ये जो आदेश निकाला गया था उनके कार्यकाल के समय वो कक्षा 6वीं से 12वीं तक का था, पर अब उन्होंने मांग की है कि कक्षा 1 से 5वीं तक के बच्चों के लिए भी जो है ये लागू कर देना चाहिए। और यहाँ पर उन्होंने खास तौर पर मदरसों का भी जिक्र किया है। तो जाहिर तौर पर जब इस तरह के बयान सामने आते हैं ये राजनीतिक मुद्दा बन जाता है। कांग्रेस का इस पर तर्क है कि वैसे तो स्कूलों में जो है राष्ट्रगान होता है, पर अगर ये नहीं हो रहा है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि पिछले 18 से 20 सालों से मध्य प्रदेश में बीजेपी की ही सरकार है और अब तक जो है लागू स्कूलों में इस तरह का नियम लागू नहीं किया जा सका है। तो जाहिर तौर पर उनके एक बयान से मध्य प्रदेश में इस वक्त राजनीति जो है हम देख पा रहे हैं। विजय शाह ने भी जो है मदरसों वाली बात पर दोबारा जब उनसे इस बारे में सवाल किया गया तो तब भी उन्होंने यही कहा कि हर एक बच्चे को देश के राष्ट्रगान के बारे में, राष्ट्रध्वज के बारे में पता होना चाहिए और शुरुआत से ही अगर उन्हें इस बात की जानकारी देंगे, इतिहास के बारे में बताएंगे तो आगे चलकर उन्हें किसी तरह की परेशानी नहीं होगी देश के बारे में जानने के लिए। और उन्होंने यहाँ पर स्कूल, मदरसे, गुरुद्वारे, हर एक तमाम शैक्षणिक संस्था का जिक्र भी किया। जी बिल्कुल, लेकिन अब जब नियम की बात है तो इसमें सरकार का क्या रुख रह सकता है, क्या इसको लेकर कोई ऑफिशियल आदेश की जरूरत है इस वक्त और क्या इस पर गौर किया जा सकता है? जी बिल्कुल, देखिए लोकेंद्र, एक अगर हम आधिकारिक बात करें तो कक्षा 6वीं से 12वीं तक के लिए पहले यह आदेश जो है आया हुआ था और ये तब की बात है जब विजय शाह स्कूल शिक्षा मंत्री थे। कक्षा 1 से 5वीं तक की अब वो बात कर रहे हैं। साथ ही साथ विजय शाह ने भी ये कहा है कि कई ऐसे निजी स्कूल हैं जहां पर जो है अपनी प्रेयर्स होती है पर राष्ट्रगान नहीं वहां पर जो है बच्चों से करवाया जाता है। जाहिर तौर पर उनका जो कहना चाहिए उनका जो इशारा था वो उन कॉन्वेंट निजी स्कूलों पर था जहां पर अपनी असेंबली की प्रेयर्स होती हैं, या फिर अगर हम मदरसों की भी बात करें तो इस तरह के जो हम देखते हैं कि मदरसों में भी अपनी अलग तरह की प्रार्थनाएं होती है। तो उनका इशारा कहीं ना कहीं अब निजी स्कूलों पर रहा है, क्योंकि सरकारी स्कूलों में तो ये नियम है कि जब सुबह स्कूल शुरुआत होगा तो उसके पहले जो प्रार्थना सभा या असेंबली होती है उसमें राष्ट्रगान जरूर से गवाया जाए। पर अब ये देखना होगा कि क्या सीएम जो है इस बात पर गौर करते हैं, क्योंकि सीधे मंच से जो है विजय
अजय शाह ने इस बात की मांग की है। तो देखना होगा कि अगला अब सीएम का या स्कूल शिक्षा विभाग का इस ओर कदम क्या होता है। क्या कक्षा छठवीं से बारहवीं तक के लिए जो आदेश था अब वो शुरुआत से यानी कि प्राइमरी स्कूल से भी लागू किया जाता है या नहीं। और कांग्रेस भी यही मांग कर रही है कि जाहिर तौर पर बच्चों को ये पता होना चाहिए। मैं आपको रोक रहा हूँ, नरेंद्र सलूजा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी के नेता है। नरेंद्र जी बहुत स्वागत है आपका न्यूज स्टेट पर। और अभी थोड़ी देर पहले कांग्रेस नेता कुणाल चौधरी ने कहा कि भाई राष्ट्रगान तो ऑलरेडी हमारे देश में स्कूलों में ज्यादातर में होता है, फिर ये आदेश की बात अब क्यों कही जा रही है और 20 साल से जब सरकार ऑलमोस्ट आपकी चल रही है तो अब इस चीज की याद क्यों आई है। देखिए, यदि कोई निर्णय आज होता है और पहले नहीं हुआ तो इसका मतलब यह तो नहीं होता है कि उसको आज लागू नहीं किया जा सकता या आज उस पर बात नहीं की जा सकती। यदि विजय शाह जी ने कोई मांग उठाई तो एक सम्मानित जनप्रतिनिधि है, मंत्री है, निश्चित तौर पर उनकी मांग पर सरकार गंभीरता पूर्वक विचार करेगी, जो भी आवश्यक निर्णय होगा लेगी। लेकिन कांग्रेस यदि यह कहे कि आपने 20 साल में नहीं किया, आपने 15 साल में नहीं किया, तो वो कांग्रेस जिसने 50 साल देश में राज किया और देश को कहां पीछे ले गए। आज हम देश को गौरव बढ़ाने का काम कर रहे हैं तो इसका मतलब कांग्रेस ने नहीं किया तो हमको ऐसे काम ही नहीं करेंगे। नरेंद्र जी, लेकिन उनका यह भी कहना है कि क्या आपको ऐसा लगता है कि कोई स्कूल ऐसे हैं जहां राष्ट्रगान नहीं हो रहा है या झंडा वंदन नहीं हो रहा है? ये तो अमूमन ज्यादातर स्कूलों में होता ही है लेकिन हम इसकी जांच कराएंगे, जहां नहीं हो रहा वहां अनिवार्य रूप से लागू करने को लेकर विचार करेंगे। क्योंकि राष्ट्रगान यदि हमारे भारत के अंदर हमारे स्कूलों में नहीं होगा तो कहां होगा? हमारा राष्ट्रगान यदि हमारे बच्चों के सामने हम नहीं गाएंगे तो कहां गाएंगे? ये तो ऐसे भी सभी स्कूलों में खुद ही होना चाहिए, लेकिन यदि कहीं नहीं हो रहा हो तो उसको भी हम दिखवाएंगे। ये ऐसा कोई इनपुट, क्योंकि वो पूर्व में खुद स्कूल शिक्षा मंत्री रह चुके हैं, उन्होंने उस वक्त छठी से बारहवीं तक का निकलवाया भी आदेश, उन्होंने खुद आज बयान में कहा कि उसने थोड़ी सी गलती रह गई कि हमें उसे पहली से करना चाहिए था। इसका मतलब कुछ ऐसे इनपुट हैं उनके कि कुछ स्कूलों में इसका पालन नहीं हो रहा है और राष्ट्रगान के प्रति तो कोई कोताही होनी नहीं चाहिए या हमारे जो तिरंगा है उसके प्रति किसी तरह का अपमान की कोई कोताही होनी नहीं चाहिए, कोई स्कूल ऐसा होना नहीं चाहिए जो उसका पालन ना करे? देखिए, कुछ स्कूल ऐसे सामने आते रहते हैं समय समय पर जो किसी एजेंडे के तहत चलते हैं। जैसे दमोह के गंगा जमुनी स्कूल का मामला आया था, वहां भी इस तरह की बातें आई थी कि धार्मिक शिक्षा, कुरान की आयतें लिखाई जा रही थी और जिस प्रकार से बच्चों को इस्लामिक शिक्षा दी जा रही थी, मस्जिद से स्कूल तक की एक सुरंग थी। तो इस तरह के मामले समय समय पर आते रहते हैं, हम उसको दिखवाएंगे कि कहां इस नियम का पालन नहीं हो रहा है, कहां राष्ट्रगान नहीं हो रहा है। इस तरह की कोई भी शिकायत आएगी तो उस पर कार्रवाई करेंगे। नरेंद्र जी, आप बने रहिए हमारे साथ, कांग्रेस नेता आनंद जाट भी इस वक्त जुड़ गए हैं। आनंद जी बहुत स्वागत है आपका न्यूज स्टेट पर। और विजय शाह ने जिस तरह से बयान दिया कि राष्ट्रगान और झंडा वंदन होना चाहिए स्कूलों में, इससे कांग्रेस पार्टी का इस पर क्या स्टैंड है? देखिए, जब संविधान सभा बनी और संविधान सभा ने राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को जो है भारत के राष्ट्रीय महत्व में और परंपरा में स्थापित किया, उसको हमने इसीलिए किया था कि देश का प्रत्येक नागरिक जो है इनको गाते समय गौरव का अनुभव करे और भारत को की जो एकता और अखंडता है उसके लिए अपने मन में एक सकारात्मक भाव पैदा करे। तो ये तो कांग्रेस पार्टी और संविधान सभा ने मिलकर जो है इस काम को आगे बढ़ाया है। आज अगर विजय शाह जी ये मांग कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि ये तो भाजपा को सोचना चाहिए कि एक 20 साल पुरानी सरकार जो है वो अभी केवल इस तरह के आदेश जारी करने के कामों में उलझी हुई है। इससे आगे बढ़कर जो है अब तक तो ये सब काम हो जाने चाहिए थे। आनंद जी, लेकिन अभी नरेंद्र जी से मैंने सवाल पूछा, उन्होंने कहा कि ठीक है 20 साल में कुछ नहीं हुआ तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आज उस पर विचार ना हो। और उन्होंने कुछ स्कूलों का उदाहरण भी दिया, उन्होंने कहा कि आज भी शायद कुछ स्कूल ऐसे हैं जिस पर जहां पर इस तरह की चीजें नहीं पाई जाती हैं, उल्टा वहां पर कुछ धर्म विशेष की चीजें पढ़ाई जा रही। भारत के संविधान के अनुच्छेद 28 और 29 क्या कहते हैं? संविधान का अध्ययन भाजपा के प्रवक्ताओं को करना चाहिए और संविधान के अनुरूप अगर नहीं है तो मध्य प्रदेश में संविधान के पालन कराने की जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की है ना। सरकार अगर इस काम को नहीं कर पा रही है तो भाजपा प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि भाजपा जो है वो एक अक्षम सरकार चला रही है मध्य प्रदेश में। अगर कहीं कोई कानून का पालन नहीं हो पा रहा है किसी स्कूल के द्वारा और कोई अगर अवैधानिक कार्यक्रम चला रहा है
तो मुझे लगता है कि उसमें सरकार की नाकामी है। ठीक ठीक है आनंद जी, शुक्रिया आपने कांग्रेस का स्टैंड इस पर रखा। और हमारे साथ नरेंद्र जी जुड़े हुए थे, नरेंद्र जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी सहयोगी नीलम जुड़ी हुई थी, नीलम आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब इस पर क्या सरकार का स्टैंड रहता है ये देखने वाली बात होगी।